भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। एक अवतार लिया कृष्ण दर्शन, अब करता हूँ उसका वर्णन। शौद देव जो मनु हुए हैं, नभग उन्हीं के पुत्र हुए हैं। शिव ने उनको ज्ञान दिया था, कृष्ण दर्शन अवतार लिया था। इक्ष्वाकु आदि भाई थे, शारदेव मनु के ही पुत्र थे। नभग के पुत्र श्री नाभाग थे, नाभाग पुत्र अम्बरीश थे, जो विष्णु के परम भक्त थे। दुर्वासा इन पे प्रसन्न थे। नभग मनु के पुत्र थे, जो अति थे बुद्धिमान। शिव शंकर ने स्वयं ही उन्हें दिया था ज्ञान। इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के साथ ये किया। उन्होंने सारे धन को बांट लिया था, नभग को हिस्सा नहीं दिया था। नभग तो गुरुकुल में रहते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। जब गुरुकुल से वे आए थे, अपना भाग नहीं पाए थे। भाई कृपया इतना कीजिए, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। फिर भाई ये कहने लग गए, आपका हिस्सा देना भूल गए। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पिता को हिस्से में देते हैं। नभग पिता के पास में आए, भाई वचन उन्हें बतलाए। आपको मेरा हिस्सा बताया, मैं तो आपकी सेवा में आया। पिता ने बड़ा अचंभा किया, उसे आश्वासन फिर दिया। तुमको एक उपाय बताऊं, जीविका का साधन समझाऊं। एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन छठे दिन भूल कर रहे हैं। पुत्र यज्ञ में प्रेम से तुम प्रस्थान करो। विश्वदेव संबंधी दो सुख बताया करो। आपका ये सहयोग जो होगा, शुद्ध रूप से संपन्न होगा। जब वे स्वर्ग को जाने लगेंगे, विप्रशेष धन तुम्हें ही देंगे। नभग ने फिर वैसा ही किया, सूक्त शुद्ध उच्चारण किया। यज्ञ कर्म जब समाप्त हो गया, नभग को शेष सभी धन मिल गया। ब्राह्मण देव तो स्वर्ग चले गए, रूप बदल कर शिव जी आ गए। नभग से बोले मुझे बताओ, कौन हो तुम मुझको समझाओ। मेरे धन को क्यों लेते हो, कौन हो तुम कहाँ रहते हो। ये धन यज्ञ से बचा हुआ है, ऋषियों ने ये मुझे दिया है। आप मुझे क्यों रोक रहे हो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। कृष्ण दर्शन शिव ने समझाया, झगड़े का समाधान बताया। अब तुम अपने पिता पे जाओ, उनसे ही ये पूछ के आओ। वे ही हमारे पंच रहेंगे, वे ही इसका निर्णय करेंगे। नभग पिता के पास में तुरंत चले आए। शौद मनु ने अपने पुत्र ऐसे समझाए। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो।
तो साक्षात शिव आए, तुम उनको पहचान न पाए। वैसे तो उनका संसार है, ऐसे धन पे विशेष अधिकार है। उन्हीं की आज्ञा जो पाते हैं, यज्ञ के धन को ले सकते हैं। जाओ उनके पास में जाओ, सच्चे प्रेम से उन्हें मनाओ, प्रेम से उनकी स्तुति कर लो, इस अपराध की क्षमा मांग लो। नभग लौट कर शिव पर आए, शीश नवा ये वचन सुनाए। कृष्ण दर्शन मुझे क्षमा कीजिए, तुम मुझ पर प्रसन्न होइए। हाथ जोड़ कर विनती की थी, फिर प्रभु की स्तुति की थी। शाद देव ने भी स्तुति की, अपनी भूल की मांगी क्षमा भी। शिव प्रसन्न हुए फिर उन पर, नभक से बोले फिर वे हंस कर। आपके पिता ने सत्य कहा है, जो मुझको भी अच्छा लगा है। ब्रह्म तत्व का सनातन ज्ञान मैं करता हूँ तुम्हें प्रदान। अब इस सारे धन को तुम ही ग्रहण करो, निर्विकार सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करो। अंतर ध्यान प्रभु तब हो गए, नभग अति प्रसन्न हो गए। विपुल भोग इस जग में पाए, अंत में शिव के धाम में आए। जो भी इसको पढ़ता सुनता, मनोवांछित फल है वो पाता। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा तथा उसकी महिमा का वर्णन। अवधूतेश्वर जो अवतार, तुम्हें सुनाऊं सनत कुमार। इंद्रदेव सभी देवों को लेकर पहुंच गए कैलाश पे जाकर। गुरु बृहस्पति भी संग गए थे, शिव जी तभी अवधूत बने थे। उनके तन पर वस्त्र नहीं था, तन अति तेजस्वी भयंकर था। सभी देव जिस राह से आए, इसी रूप में वहां पर पाए। इंद्रदेव ने पूछा उनसे, कौन हो तुम और आए कहां से? क्या शिव जी भी होंगे यहीं पर, या फिर गए हैं और कहीं पर? इंद्र ने प्रश्न बार बार किया, शिव ने उत्तर कोई न दिया। देवराज गुस्से में आया, बड़े घमंड में वचन सुनाया। बार बार कहने पर भी अर मुड़ तू माने, वज से तुझे मारता हूँ, देखूं बचाए कौन। इंद्र ने जो ही वज्र उठाया, उससे फिर वो उठ नहीं पाया। फिर वह पुरुष क्रोध में भर गया, मानो देवराज अभी अभी जल गया। उसकी भुजाएं स्तंभित थी, और हालत उस सर्प भांति थी। मंत्र से जिसको बांध दिया हो, उसका बल सब रोक दिया हो। देव गुरु की समझ में आया, शिव ने ही ये खेल रचाया। हाथ जोड़ चरणों में गिर गए, शिव की स्तुति करने लग गए। दीनानाथ उद्धार कीजिए, हम दोनों पे दया कीजिए। आपके ललाट से आग निकल रही, वह तो इसको जलाने आ रही।
देव गुरु की बातें सुनकर महादेव फिर बोले हंस कर, अपने नेत्रों की अग्नि को कैसे वापस करूंगा इसको, भक्तवत्सल दया कीजिए इसे कहीं अनियंत्र डालिए, देव गुरु में वर देता हूँ तुम पर मैं प्रसन्न होता हूँ। जीव नाम भी आज से मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया। शिव शंकर ने इतना कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर क्षौर समुद्र में फेंक दिया था, उसने बालक रूप लिया था, वही जलंधर असुर हुआ था, शिव ने उसका वध किया था। इस प्रकार शिव दर्शन पाए, देव सभी निज धाम को आए, जो इस कथा को सुनता गाता मनवांछित फल को पा जाता। भगवान शिव के भिक्षु वरियार अवतार की कथा, राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। आगे सुनो मुनि सनत कुमार, शिव ने लिया भिक्षु अवतार, नारी संदेह भंजक है ये, भक्तों का अतिरक्षक है ये, सत्यरथ नाम के एक राजा थे, राज विदर्भ में जो करते थे, धर्मवीर और सत्यशील थे, शिव भक्तों से प्रेम करते थे, शाल्व देश के जो राजा थे, अति बलशाली वे क्षत्रिय थे, सत्यरथ पर आक्रमण कर दिया, बड़ा भयंकर युद्ध था किया, सेना के संग सत्यरथ मर गए, थोड़े सैनिक बच कर भग गए। सत्यरथ की महारानी भी बच कर निकल गई, रात रात में उस सीमा से आगे वो बढ़ गई। गर्भवती तो वे रानी थी, निर्जन जगह पे पहुंच गई थी, वहीं पास में एक वृक्ष था, एक सरोवर भी सम्मुख था, रानी ने विश्राम किया था, दिव्य शिशु को जन्म दिया था, फिर रानी को प्यास लगी थी, रानी निकट तालाब गई थी, जो पानी में हाथ बढ़ाया, ग्राह ने उनको ग्रास बनाया, वो बालक तो अनाथ हो गया, भूख प्यास से रोने लग गया, शिव शंकर जी वहां पर आ गए, उस बालक के रक्षक बन गए, विधवा ब्राह्मणी आई वहां पर, एक वर्ष का बालक उस पर, वृक्ष की तरफ को कदम बढ़ाया, एक शिशु वहां नजर आया, देख के बड़ी अचंभित हुई है, इसकी नाल भी नहीं कटी है, इसके पिता ना माता यहाँ पर, करुणा उमड़ती इसे देख कर, भिक्षा से जीवन वो गुजारती, ये तो शिव की प्रेरणा थी। पालन पोषण में करूं मेरा मन कहता, इसके जन्म का पता नहीं यही सोच रहता, भगवान
मन में ऐसे विचार छाए, सहसा वहां पे शिव जी आए। भिक्षुक रूप में आए शंकर, ब्राह्मणी से बोले हंसकर, कोई संदेह मन में ना रखना, प्रेम से इसका पालन करना। आपकी आज्ञा सिर धरती हूँ, फिर भी जानना मैं चाहती हूँ, इस बालक का भेद बताओ, आप कौन है ये समझाओ। शिव ने वो ब्राह्मणी समझाई, बच्चे की सब कथा बताई। ब्राह्मणी फिर उत्सुक हो गई, भिक्षुक से वो पूछने लग गई, इसके संग क्यों ऐसा हुआ है, माता पिता से अलग हुआ है, ऐसा क्यों उनके संग हो गया, राजपाट और जीवन खो गया। मेरा पुत्र भी अति दरिद्र है, भिक्षु वर्य ये क्या भेद है। विदर्भ राज की कथा सुनाऊं, कैसे हुआ सब मैं समझाऊं। इसके पिता जो विदर्भ राज थे, पूर्व जन्म में भी राजा थे, पांडे देश में राज था, सब धर्मों का था ज्ञान। शिव का भक्त अपार था, वो राजा विद्वान। एक दिन शिव की पूजा कर रहे, शिव कृपा का आनंद ले रहे, तभी नगर में कोलाहल हुआ, राजा पूजा से वो हट गया, विद्रोह से वो था डर गया, राजभवन से बाहर निकल गया। तभी राजा का मंत्री आया, एक सामंत को पकड़ के लाया, राजा ने उसे प्राण दंड दिया, उसका मस्तक कटवा था लिया। शिव पूजन नहीं पूरा किया, ऐसे ही भोजन कर लिया, राजकुमार भी बिना ही पूजन, रात को सो गया करके भोजन। इसलिए ये हाल हुआ है, राजकुमार ये पड़ा हुआ है, पूर्व जन्म में इसकी माँ ने अपनी सौतन मारी उसने, उसका फल इसने पाया है, तभी ग्राह ने इसे खाया है। पूर्व जन्म में तेरे पुत्र ने सदा दान ही लिया था उसने, तभी तो ऐसा हाल हुआ है, तेरा पुत्र दरिद्र हुआ है। अब शंकर भगवान की शरण में तुम जाओ, यज्ञोपवीत संस्कार इनका करवाओ। शिव इनका कल्याण करेंगे, सारे संकट वो ही हरेंगे। प्रभु ने उत्तम रूप दिखाया, ब्राह्मणी को धन्य बनाया। फिर वे शिव स्तुति में लग गई, शिव के प्रेम में गदगद हो गई। अंतर ध्यान हुए फिर शंकर, बच्चों को ले आई घर पर। वह एक चक्रा गांव में रहती, उत्तम अन्न से उन्हें पालती, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, शांडिल्य से ज्ञान दिलाया। प्रदोष काल में पूजा करते, शिव के प्रेम में दोनों रहते। ब्राह्मण पुत्र नदी पे आया,
धन से भरा कलश एक पाया। दोनों शिव पूजा में रहते, बारह महीने उनको बीते। राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार वन में दोनों गए एक बार। एक गंधर्व कन्या को पाया, उसका पिता भी वहां पर आया। राजपुत्र से विवाह किया था, फिर निष्कंटक राज दिया था। राजमाता ब्राह्मणी भाई ब्राह्मण कुमारे, धर्मगुप्त वे राजा बना जो था राजकुमारे। विदर्भ देश का राजा बन गया, जीवन का सारा सुख मिल गया। जो इस कथा को सुनता सुनाता, शिव के धाम को वो है पाता। के सुरेशावतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। शिव की महिमा आगे कहूंगा, सुरेशावतार का वर्णन करूंगा। उपमन्यु शिव जी के भक्त थे, व्याघ्रपाद मुनि के वे पुत्र थे। पूर्व जन्म में सिद्ध हुए थे, अब वे मुनि कुमार बने थे। देव वश वे बड़े दरिद्र थे, माँ के साथ ननिहाल रहते थे। एक दिन दूध नहीं मिल पाया, उपमन्यु ने रुदन मचाया। माँ ने उन्हें बहुत समझाया और कृत्रिम भी दूध बनाया, लेकिन फिर भी रोने लग गए। दूध पीऊंगा जिद पे अड़ गए। माता पुत्र के आंसू पोंछ कर, धीरे से उसको समझा कर, हम तो वन में समय बिताए, हमको दूध कहाँ से आए। शिव कृपा बिन दूध न मिलता, जैसा किया है वैसा पाता। अपनी माँ की बात को ध्यान से सुन लिया, शिव आराधना करने का दृढ़ निश्चय किया। उपमन्यु पर्वत पे चले गए, शिव की भक्ति करने लग गए। आठ ईंटों का मंदिर बना कर, शिवलिंग की वहां स्थापना कर, पुष्प आदि अर्पण किया, शिव जी का आवाहन किया। पंचाक्षर मंत्र को लिया, शिव का जप आरंभ किया। फिर वे भारी तप में लग गए, शिव जी परीक्षा लेने आ गए। शिव ने रूप बनाया इंद्र का, पार्वती ने रूप शची का। वृषभ वहां ऐरावत बन गया, गणों ने देव रूप धर लिया। फिर शिव उसके पास में आए, उससे फिर ये वचन सुनाए। मांगो जो भी वह बर दूंगा,
आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, इतनी कृपा मुझ पर करिए, शिव की भक्ति मुझे दीजिए। शिव ने स्वयं को इंद्र बताया और शिव जी में दोष लगाया, फिर बालक को गुस्सा आया, उसका वर वापिस लौटाया, देवराज को मारने अघोरास्त्र चलाया, उसे मार कर स्वयं भी उसने मरना चाहा। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उसका अस्त्र नंदी ने पकड़ लिया, फिर उत्पन्न अग्नि को किया, स्वयं अग्नि में जलना चाहा, शिव ने उसको शांत कराया, फिर सब असली रूप में आए, उपमन्यु मन में हर्षाए, मैं हूँ पिता और ये है माता, आज से मैं वरदान ये देता, सनातन कुमार को प्राप्त करोगे, भोज्य पदार्थ सुलभ सब होगे, तुमको मैं अमरत्व देता हूँ, गणों का अधिपति पद देता हूँ, पाशुपति व्रत पाशुपत ज्ञान, व्रत योगी किया प्रदान, उपमन्यु को गले लगा कर पार्वती को उसे सौंप कर, पार्वती ये पुत्र तुम्हारा, देखो तो कितना है प्यारा, माँ ने सिर पर हाथ रख दिया, अक्षय कुमार पद प्रदान किया, शिव ने फिर संतुष्ट होकर प्रस्तुत किया है क्षीर सागर, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, इस आश्रम पे निवास करूंगा। इतना कहकर शिव शंकर हो गए अंतर ध्यान, महादेव ने उनको अद्भुत फिर दिए वरदान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। माँ के पास उपमन्यु आए, माँ ने सुनकर गले लगाए, जो भी इसको कहता सुनता, भोग मोक्ष दोनों फल पाता। शिव जी के किराता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्ल विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिवजी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। नंदीश्वर कहे सनत कुमार, अब बतलाऊं किरात अवतार, जब पांडव जुए में हार गए, द्रौपदी सहित द्वैत वन में गए, सूर्य से बट लोई पाकर वन में समय बिता रह रह कर, दुर्योधन ने फिर छल करके उनके पास दुर्वासा भेजे, 10,000 शिष्यों को ले गए, पांडवों के पास पहुंच गए, फिर भोजन की याचना की थी, पांडवों ने स्वीकार की थी, लेकिन अन्न का भारी अभाव, प्राण त्यागने का बना है भाव, द्रौपदी ने गोविंद ध्यान किए, मुरलीधर वहां तुरंत पहुंच गए, एक शाख का भोग लगाया, सब ऋषियों को तृप्त कराया, दुर्वासा चुपचाप चले गए, सब पांडव प्रसन्न हो गए। तब कृष्ण भगवान ने उनको दिया ज्ञान,
सभी पांडव प्रेम से शिव का करना ध्यान। उनके बाद व्यास जी आए, उन्होंने सब पांडव समझाए, शिव के पूजन में लग जाओ, प्रेम से शिव शंकर को मनाओ, जो भी उनकी शरण में जाते वे जल्दी प्रसन्न हो जाते, इच्छाएं पूरी करते हैं, भोग मोक्ष दोनों देते हैं। शक्र विद्या जप अर्जुन करेंगे, इंद्र परीक्षा को आएंगे, यदि वे प्रसन्न हो जाएंगे श्रेष्ठ शिव मंत्र को बताएंगे। व्यास जी ने फिर उपदेश किया, शक्र विद्या अर्जुन ने लिया, पार्थिव लिंग पूजन समझाया, इंद्र कील पर्वत को बताया, जाह्नवी के तट पर जाओ, जाके तपस्या में लग जाओ, अपने धर्म को नहीं छोड़ना, इससे अन्यथा नहीं सोचना। अर्जुन तेजवान अति हो गए, व्यास जी अंतर ध्यान हो गए, अर्जुन का ये तेज देख कर पांडव बोले प्रसन्न होकर। व्यास कथन से ये लगता अर्जुन विजय को पाए, पर्वत इंद्र कील पर अब भक्ति को ये जाए। अर्जुन सबसे अनुमति लेकर लक्ष्य को देखा मोह छोड़कर, इंद्र कील की ओर चले गए, गंगा जी के निकट पहुंच गए, जैसा व्यास जी ने समझाया फिर वैसा ही वेश बनाया, तीनों समय स्नान करके शिवलिंग का निर्माण करके आसन लगा के वहाँ बैठ गए, शिव शंकर के ध्यान में लग गए, तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकले वहाँ से, इतना दिव्य तेज देख कर इंद्र गुप्त चर भय में भर कर अपने मन में सोचने लग गए, ये यहाँ पर कब कैसे आ गए। तुरंत इंद्र के पास में आए, समाचार उनको बतलाए, गुप्तचरों ने उन्हें बतलाया, सब कुछ इंद्र की समझ में आया, फिर बूढ़े ब्रह्मचारी बनकर इंद्र कील पर पहुँचे जाकर, ब्रह्मचारी को पास देख कर अर्जुन खड़े हुए तब उठकर, अर्जुन ने सम्मान कर उनकी स्तुति की, बातें बातें से इंद्र ने उनकी परीक्षा ली। तब अर्जुन की परीक्षा लेकर सब प्रकार श्रेष्ठ समझ कर शिव शंकर के मंत्र को दिया, जप करने का उपदेश दिया, फिर अपने अनुचर समझाए, अर्जुन के रक्षा में लगाए, अर्जुन से फिर कहने लग गए, ये उपदेश बताने लग गए, कभी प्रमाद न करना चाहिए, सदा धैर्य धारण रखिए, शिव सबके रक्षा करते हैं, भोग मोक्ष दोनों देते हैं। देवराज फिर लौट के आ गए, अर्जुन शिव के तप में लग गए।
किरात अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आ। शिवजी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। व्यास ने जो उपदेश दिए थे अर्जुन ने वो पालन किए थे। पंचाक्षर मंत्र को जपते शिव की घोर तपस्या करते। तप से एक तेज प्रकट हुआ देवों को बड़ा आश्चर्य तब हुआ। शिव के पास में देव सभी गए इस प्रकार से कहने लग गए। कोई नर तप आपका करता वो तो दर्शन आपका चाहता। प्रभु वो दर्शन चाहता उसको दर्शन दो। उसके मन की कामना प्रभु पूरी कर दो। पुराण है मुक्ति कथा जय हो पार्वती शिव भगवान। देवों ने शिव की स्तुति की भांति भांति से फिर विनती की। ये वाणी देवों की सुनकर महादेव जी बोले हंसकर। तुम अपने स्थान को जाओ मन में तुम संदेह न लाओ। आपका कार्य पूर्ण करूँगा भक्तों के सदा कष्ट हरूंगा। देवता सब संतुष्ट हो गए वे अपने स्थान चले गए। मूक नाम का एक दैत्य था दुर्योधन ने वो भेजा था। उसने शुकर रूप बनाया वो अर्जुन के पास में आया। कुंती पुत्र फिर उसे देख के महादेव का स्मरण करके अपने मन में किया विचार। ये तो कोई दुष्ट अपार क्योंकि जिसके दर्शन पाए और मन में व्याकुलता आए। समझो इतेशी नहीं है जानो उसको तो शत्रु ही मानो। और हम जिनके दर्शन पाए देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। उसको समझो हितेशी तुम विद्वानों का है ज्ञान। शिव की शरण सदा रहो होगा सदा कल्याण। पुराण है मुक्ति कथा जय हो पार्वती शिव भगवान। कुल का ज्ञान आचार से होता तन से ज्ञान भोजन का मिलता। वार्तालाप से शास्त्र का ज्ञान नेत्र से स्नेह की पहचान। चाल ढाल चेष्टा आकार नेत्र व बोल न मुख के विकार। ठीक से इनको जो पहचाने औरों के मन के भाव को जाने। नेत्रों के हैं चार प्रकार उज्जवल तिरछे सरस व लाल। ये विद्वानों ने ही बताए सबके भाव अलग समझाए। मित्र संयोग यदि होता है नैन भाव उज्जवल होता है। पुत्र के दर्शन यदि होते हैं तब तो नैन सरस होते हैं। यदि कामनी जो मिल जाए समझो नैन वक्र हो जाए। शत्रु यदि दिखाई देते तो ये नैन लाल हो जाते। मुझको तो ऐसा ही लगता बिल्कुल ये शत्रु ही जचता। गुरुदेव का भी यही कहना ऐसे शत्रु को ना छोड़ना। अर्जुन ने ये सोच कर किया बाण संधान।
तभी परीक्षा के लिए आए शिव भगवान। भील रूप में शिव जी आए, ध्वज ईशान बांध कर लाए, धनुष बाण अति शोभा देते, तभी शूकर के शब्द सुने थे, गुर्राहट की उसने भयंकर, अर्जुन सोच रहा घबरा कर, कहीं ये शिव जी तो नहीं आए, मेरा शुभ करने को धाए। श्री कृष्ण और व्यास बताते, मुक्ति दाता शिव कह जाते, जो उनका स्मरण भी करता निश्चय ही कल्याण वो पाता। कभी कभी प्रभु दुख भी देते, फिर सारे संकट हर लेते, सुख आए चाहे दुख आए, लक्ष्मी आए या चली जाए, शिव का भक्त नहीं कोई हटता, सोना शुद्ध बने जो तपता, मैं तो शिव का भजन करूँगा, उनसे ही सुख प्राप्त करूँगा। तभी वहाँ पर सुअर आया, अर्जुन ने तभी बाण चलाया, एक बाण उस भील का आया, संग निशाना सुअर बनाया। दैत्य तुरंत ही गिर पड़ा, उसके निकले प्राण, देवों ने फिर की स्तुति, धन्य धन्य भगवान। अर्जुन को बड़ा संतोष आया, मन ही मन में हर्ष मनाया, शिव ने ही मेरी रक्षा की है, मेरी बुद्धि प्रेरित की है, शिव का कीर्तन गाने लग गए, शिव स्तुति में फिर वो खो गए। अर्जुन और शिव दूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध, पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति, शिवजी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना, अर्जुन का आश्रम लौटकर भाइयों से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। शिव ने था जो बाण चलाया, उसको लेने सेवक आया, तभी वहां पर अर्जुन आए, वे भी बाण लेने को धाए, अर्जुन ने उसको धमकाया, अपने बाण को तुरंत उठाया, अनुचर फिर अर्जुन से कहता, ऋषि सत्तम क्यों बाण को लेता, इस सायक को यहीं छोड़िए, इसे तो मुझको लेने दीजिए। अर्जुन बोले, क्या बकते हो, मेरा बाण अपना कहते हो, अनुचर हंस कर ऐसे कह रहा, तू तो झूठी तपस्या कर रहा, सच्चा तपस्वी छल नहीं करता, झूठी वाणी नहीं बोलता, मैं सेना का अधिपति हूँ, तुझको समझाए देता हूँ, मेरे स्वामी भी यहीं वन में रहते हैं, वनचारी भीलों के संग पास ही बैठे हैं। मेरे स्वामी यहीं बैठे हैं, अनुग्रह विग्रह वे करते हैं, क्यों तुमने ये बाण उठाए,
तेरे पास ये टिक नहीं पाए। त्याग सत्य का जो भी करता तब का फल उसको नहीं मिलता। वाणी ये मेरे स्वामी का है, तेरी रक्षा को छोड़ा है। यदि वाणी ही तुम हो चाहते, क्यों ना मेरे स्वामी से मांगते। मेरे स्वामी ने किया उपकार, तुम करना चाहते अपकार। अर्जुन फिर गुस्से में आए, अनुचर को ये शब्द सुनाए। या तो निज स्वामी को बुलाना, या जो जी आए वो करना। शिव के पास फिर अनुचर आया, सारा हाल उन्हें बतलाया। सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए, सेना के संग वहां पहुंच गए। किरात रूप जब शिव जी आए, धनुष बाण अर्जुन ने उठाए। शिव ने दूत को फिर भिजवाया, अर्जुन से ऐसे कहलाया। अब तुम प्रेम से हे ऋषि दे दो हमारा बाण, नहीं तो छोटी बात पर देने पड़ेंगे प्राण। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव का दूत अर्जुन पे आया, सब संदेश उसे समझाया। दूत की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बोला, क्षत्रिय धर्म पर यदि आपको बाण में दूंगा, अपने कुल को कलंकित करूंगा। भले ही भाई दुखी हो जाए, निष्फल सब विद्या हो जाए, फिर भी अब तो बाण न दूंगा। कुल को दूषित नहीं करूंगा, क्या गीदड़ से सिंह मरा है, क्या वनचर से क्षत्रिय डरा है। अर्जुन की ये बातें सुनकर शिव के पास वो आया लौट कर। अर्जुन वचन उन्हें बतलाए, शिव अर्जुन के सम्मुख आए। शिव का ध्यान अर्जुन ने किया था, धनुष बाण हाथों में लिया था। भारी युद्ध वहां पर था छिड़ गया, अर्जुन का मन शिव में लग गया। अर्जुन अति बलशाली हो गए, शिव को उठा घुमाने लग गए। भक्त के वश में शिव जी होते, भक्ति की इच्छा पूरी करते। शिव ने सहसा ही वहां ऐसा कर दिया, व्यास जी ने बतलाया वही स्वरूप किया। अर्जुन तुरंत अचंभित हो गए, फिर वे पश्चाताप से भर गए। ये कैसी है शिव की माया, शिव ने मुझसे क्या करवाया। महादेव को प्रणाम करके शिव से बोले विचलित होके, प्रभु ये क्या है खेल रचाया, तुमने स्वयं से युद्ध कराया। कैसी लीला अपरंपार, हे स्वामी मुझको धिक्कार। इतना कह चरणों में लेट गए, महादेव प्रसन्न हो गए। बाह पकड़ अर्जुन को उठाया, उसको अपने गले लगाया। ये तो सब मैंने ही रचा है, आपकी इसमें गलती क्या है। आपने जो आघात किया है, मैंने पूजा मान लिया है। अर्जुन मैं प्रसन्न हूँ तुम पर, जो भी चाहो अब मांगो वर। जो भी मांगोगे वही दूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा।
धन्य प्रभु करुणा के सागर, करते दया सदा भक्तों पर। बार बार कर के नमन प्रभु की वंदना की, वेद सम्मत प्रेम से शिव की स्तुति की। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। प्रभु आपका अभिवादन है, बार बार प्रभु तुम्हें नमन है। हे कैलाश पति शिव शंकर, नीलकंठ हो शशि मस्तक पर। पंचमुखी प्रभु सुख के धाम, आपको मेरा है प्रणाम। निर्गुण सगुण तुम्हें भगवान, रूप रहित हो तुम रूपवान। मुझ पर अनुग्रह करने आए, वेश की रात का धर के लाए। गिरिजा सहित तुम्हें प्रणाम, हे अविनाशी सुख के धाम। गुण अनंत है निर्गुण स्वामी, सब कुछ आप हैं अंतर्यामी। मेरे अवगुण क्षमा कीजिए, हे स्वामी प्रसन्न होइए। अर्जुन की ये विनती सुनकर हंसकर बोले फिर शिव शंकर। बोलो अर्जुन तुम क्या चाहो, अपनी इच्छा मुझे बताओ। आप दयालु सब पहचानो, सबके घट की बात को जानो। परासिद्धि लोक की देना, इतनी कृपा मुझ पर करना। फिर अर्जुन ने नाथ को नमस्कार है किया। अस्त्र पाशु पात शिव ने अर्जुन को तब दिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। महान अस्त्र तुमको दे दिया, शत्रुओं से अजय है कर दिया। हम श्री कृष्ण से भी कहेंगे, वे भी आपके सहायक होंगे। कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप है, समझो दोनों एक ही रूप है। तब शिव अंतर ध्यान हो गए, अर्जुन निज आश्रम को चल दिए। सब भाइयों ने परम सुख पाया, द्रौपदी को भी संतोष आया। पुष्पों की वर्षा होने लग गई, विजय की आशा पक्की हो गई। यशोदा नंदन वहाँ फिर आए, अर्जुन ने सब हाल सुनाए। जो इस कथा को सुनता सुनाता, मनोवांछित फल को वो पाता। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन नंदीश्वर जी कहते हैं। नंदीश्वर जी आगे कह रहे, ज्योतिर्लिंग अवतार बता रहे। 12 ज्योतिर्लिंग अवतार, अति मंगल में सनत कुमार। उज्जैनी में महाकाल है, अमरेश्वर में ओमकार है। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ है, काशी में श्री विश्वनाथ है। चिताभूमि में वैद्यनाथ, जय 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 महादेव। हिमालय पर केदारनाथ, सब देवों के देव। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। श्री शैल मल्लिकार्जुन जी, दाकिनी में भीमा शंकर जी। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर हैं,
दारुक वन में श्री नागेश्वर, सेतु बंद पर श्री रामेश्वर, और शिवालय में घुष्मेश्वर, शंभु के बारह अवतार, आनंद देते सब प्रकार, सोमनाथ जो पूजन करता, क्षय और कुष्ठ के रोग मिटाता, चंद्रकुंड में जो भी नहाता, सब रोगों से मुक्ति पाता, जो भी इसकी पूजा करता, भोग मोक्ष दोनों पा जाता, कैलाश से शैल पे आए, मल्लिका अर्जुन तब कहलाए, लिंग रूप में प्रभु पधारे, क्षण में कष्ट दूर करे सारे, पुत्र की प्राप्ति जो भी चाहता, इस शिवलिंग की पूजा करता, यदि कोई मुक्ति भी चाहे, पूजन से वह भी मिल जाए, दूषण नाम का सुर हुआ था, धर्म विनाशक बड़ा दुष्ट था, एक बार उज्जैनी में दुष्ट वो पहुंच गया, तभी वेद के पुत्र ने शिव का ध्यान किया, शिव ने उसको दर्श दिया था, उस राक्षस को भस्म किया था, तभी वहाँ पर देवता आ गए, शिव जी वहीं प्रतिष्ठित हो गए, जो भी इनका पूजन करता, भोग व मुक्ति दोनों पाता, ओंकार चौथा अवतार, इसकी महिमा बड़ी अपार, भुक्ति मुक्ति ये प्रदाता है, दो रूपों में बटा हुआ है, एक रूप ओंकारेश्वर है, रूप दूसरा परमेश्वर है, नर नारायण की विनती पर, हर स्थित केदार शिखर पर, ये केदारनाथ कहलाते, नर नारायण पूजा करते, जो भी इनकी पूजा करता, मन चाहे फल को वो पाता, काम रूप के जो राजा थे, नाम सुदक्षिण शिव के भक्त थे, भीमासुर उन्हें पीड़ित करता, कभी किसी से जरा न डरता, राजा ने शिव पूजन किया, शिव ने उन्हें अभय कर दिया, दाकिनी में स्थित हुए भीम शंकर भगवान, ये ज्योतिर्लिंग भुक्ति मुक्ति सब करता है प्रदान, शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। काशी में श्री विश्वेश्वर है, बड़े दयालु परमेश्वर है, जो यहाँ आकर पूजन करते, कैवल्य के भागी होते, गौतम ऋषि ने था तप किया, लिंग रूप में दर्शन दिया, ये त्र्यंबक है अवतार, भक्तों का है अति हितकार, गौतमी के तट पर स्थित है, भुक्ति मुक्ति फलदायक है, गंगा शिव जी के अनुग्रह से बहती यहाँ पर गौतमी बन के, वैद्यनाथ नौवा अवतार, शिव शंकर की जय जयकार, रावण द्वारा लाए गए थे, यहाँ पर ही प्रतिष्ठित हो गए थे, चिताभूमि ज्योतिर्लिंग जाए, जो भी शिव शंकर को मनाए, जीवन का कल्याण कराए, भुक्ति मुक्ति दोनों पाए,
दारुक नाम का असुर एक था, धर्मघाती और बड़ा दुष्ट था। एक वैश्य सुप्रिय था, शिव प्रभु का बड़ा भक्त था। सुप्रिय की रक्षा को शिव ने लिया अवतारे, नागेश्वर ने किया था दारुक का संहार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गिरिजा के संग महादेव है, ज्योतिर्लिंग बन करे स्थित है। दर्शन अर्चन जो भी करते, उनके पाप नष्ट सब होते। ग्यारहवां रामेश्वर अवतार, श्री राम के अति हितकार। श्री राम ने स्थापित किया, फिर वरदान विजय का है लिया। सर्वोत्तम अवतार यही है, किसी से इसकी तुलना नहीं है। भली भांति जो पूजा करता, गंगा जल से जो नहलाता। जीवन में सारे सुख पाता, अंत में मोक्ष धाम को जाता। घुस्मा भक्त की सुनी पुकार, शिव घुस्मेश्वर हुए अवतार। घुस्मा का पुत्र सुदेह ने मारा, घुस्मा ने शिव जी को पुकारा। भक्ति से शिव संतुष्ट हो गए, उसका पुत्र बचाने को आ गए। देव शैल के निकट सरोवर, जिसमें प्रकट हुए थे ईश्वर। जो दर्शन व पूजन करता, भोग मोक्ष दोनों फल पाता। बारह ज्योतिर्लिंग को सुने या कहीं सुनाए, जीवन में सुख भोग कर मोक्ष धाम को पाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।